हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के डिमांड पर इस पोशाक का जो डिजाइन है, जुगल जूड़ी में जो हम पोशाक डाले हुए थे उसका डिजाइन हम कान्हा जी का पोशाक में डाले हुए हैं। हमारी कुछ बहनें थी जो चाहती थी कि ये इस तरह का खुला ना रहे, बंद बंद बनाना चाहती थी, तो इसी को हम देखिए यहाँ कान्हा जी का पोशाक में बनाए हुए हैं। ये 5 नंबर के कान्हा जी का है। इसमें चोली हम कुछ अलग तरह से बनाए हुए हैं, ये आप देख सकती हैं। ये चोली आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का चोली बनाना चाहती हैं, जिस जितने चेन से आप कान्हा जी का चोली बनाती हैं उतने ही चेन से आप इस चोली को भी बना सकती हैं, इस डिजाइन को भी बना सकती हैं। और साथ में हम उसी डिजाइन को डाले हुए हैं जो जुगल जोड़ी के पोशाक में डाले हुए हैं, आप देख सकती हैं। इसे सिर्फ अंतर इतना है कि हम एक कलर से बनाए हुए हैं, लास्ट में हम 2 लाइन अलग कलर से डाले हुए हैं। साथ में हम टोपी भी डाले हुए हैं और यहाँ पे डोरी डाले हुए हैं। ये आप डोरी भी अपनी इच्छा अनुसार डाल सकती हैं, मोतियों से आप इसे अपनी इच्छा अनुसार सजा भी सकती हैं। टोपी साथ में हम बनाए हुए हैं, टोपी एक कलर से बनाए हैं, इसमें भी हम कुछ मोती वगैरह डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये कान्हा जी का ड्रेस हम क्रोशिया से बनाकर लाए हैं और सिलाई से हम बनाकर इस पोशाक को डाल देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनता है। आप लोगों के डिमांड पर इस ड्रेस को हम क्रोशिया से भी बताएंगे और सिलाई से भी बताएंगे। सबसे पहले हम क्रोशिया से बनाएंगे। आप लोगों ने इसे कान्हा जी का ड्रेस में बनाने के लिए हमें कहा है, तो ये कान्हा जी का ड्रेस में हम बनाएंगे और बिल्कुल एक कलर से बनाएंगे, 2 कलर से नहीं बना रहे हैं। क्रोशिया से सबसे पहले बनाएंगे हम, इसके बाद सिलाई के द्वारा भी, इसी डिजाइन को सिलाई के द्वारा भी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का चोली तैयार करेंगे। चोली हम यहाँ पे कुछ अलग हटके बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चोली किस तरह से बनता है। ये चोली किसी भी कितने भी नंबर के कान्हा जी का चोली बनाने के लिए आपको यहाँ फंदा न ज़्यादा लेना है न कम लेना है। जो आप फंदा लेती हैं 0 नंबर के कान्हा जी का पोशाक के लिए, जितना फंदा आप लेती हैं, या किसी भी नंबर के कान्हा जी का चोली बनाने के लिए आप जितना फंदा लेती उतना फंदा ही लेकर, उतना फंदा से ही इस ड्रेस को आप शुरू करें। जैसे कि देखिए इस पे हम लिए हुए हैं 22 फंदा। हम यहाँ पे इस कलर में ये कलर मिक्स करके आप लोगों को बतला रहे हैं। यहाँ पे हम 22 चेन लिए हुए हैं, फंदा नहीं, 22 चेन लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम 22 चेन ले लेते हैं। सोलह, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब ये 22 चेन को हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम जैसा कि बुनते हैं चोली बनाते समय 3 डबल क्रोशिया, इसके 3 चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, वो चीज़ हम नहीं बीनेंगे। यहाँ पे हम अलग अलग चेन पे एक एक डबल क्रोशिया करके इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जैसे कि हम ये 1 डबल क्रोशिया बनाए, अब इसके बाद फिर अलग चेन पे, ये अलग चेन से हम अलग चेन पे हुक को डालें और फंदे निकाल कर यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से प्रत्येक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब इसे हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें दूसरा कलर का धागा यहाँ पे जोड़ना है, या दूसरा कलर का ऊन हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसे जोड़ने के लिए इस तरह से यहाँ पे हम जोड़ लिए, इस ऊन को हम टाइट कर लेंगे जिससे हम अभी बुन रहे थे, इसे हम टाइट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फंदा बुनना शुरू करेंगे। 3 हम चेन ले लिए, 3 चेन लेने के बाद में इसे पलट लेंगे। पलट कर हम एक चेन और एक अलग चेन पे हुक को डालकर 1 डबल क्रोशिया हम और तैयार कर लेंगे।
देखिए इस तरह से तैयार हो गया। एक तो यहाँ तीन चेन लिए तो एक डबल क्रोशिया काम कर रहा है, एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। अब हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक और एक दो, दो चेन ले लिए। अब अगली चेन पे, अगली डबल क्रोशिया पे, यहाँ पे ये हम बुन चुके हैं, हमें गैप नहीं करना है यहाँ पे। ठीक इसके जस्ट बगल, जो बगल पे जो चेन है वहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक पफ स्टिच यहाँ पे हम तैयार करेंगे। जैसे एक हो गया, ये दो तीन, अगर आप चार रखना चाहती हैं चार भी रख सकती हैं, आप ये ऊन पे डिपेंड करता है कि आप कितने कितने प्लाई का ऊन ले रही हैं। अगर आप मोटी ऊन से बना रही हैं तो संख्या कम करें, अगर आपके पास पतला ऊन है तो तीन या चार आप यहाँ पे संख्या कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे चार किए हैं। अब इसके बाद हम सबों को एक साथ इस तरह से गिरा कर बंद कर दिए। फिर से हम एक चेन ले लेंगे, दो चेन लेंगे, एक और एक दो। दो के बाद फिर हम अगली चेन पे, हमें यहाँ पे बीच नहीं करना है, अगली चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक और यहाँ पे तैयार करेंगे। एक दो तीन चार हम रख रहे हैं तो चार ही रखेंगे, सब जितना भी हम बनाएंगे सब में एक समान हम फंदे लेंगे चार। अब सबको एक साथ बंद कर देंगे। फिर से हम दो चेन लेंगे, एक दो, और फिर से हम अगला चेन पे हुक को डालकर और एक और पफ स्टिच, यानी एक एक नहीं, जितना हमारे पास यहाँ है डबल क्रोशिया सब के ऊपर हम एक एक पफ स्टिच का फूल बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। एक दो, दो चेन ले लिए। देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। आप इस पे भी देख सकती हैं, देखिए इस तरह से हम प्रत्येक चेन पे, एक एक चेन पे हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगला लाइन हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसे बनाकर पूरा कंप्लीट किए हम, अब अगला लाइन हम बनाएंगे। देखिए अगला लाइन में हमें कलर चेंज कर लेना है, तो कलर चेंज करेंगे, ये इस तरफ आकर ख़त्म हुआ तो हम अब इसे यहाँ से ही शुरू कर देंगे, क्योंकि हम इस ऊन को कट नहीं करेंगे, इसी स्थान से हम शुरू कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और इसे इस तरह से निकालेंगे ऊन को, एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब इस जगह पे जो ये स्पेस है यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में जो बीच में हमारा यहाँ पे जगह खाली मिल रहा है इस पे हम दो दो डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम दो डबल क्रोशिया बना लेते हैं, एक और ये रहा दो। अब देखिए तीसरा हमें कहाँ बनाना है, ये जो हम चेन बनाए हुए हैं पफ स्टिच बनाए हुए हैं इसके ठीक ऊपर में, इसके ऊपर में हम अगला लेंगे, यानी यहाँ से भी हम ले सकते हैं, यहाँ से इस जगह से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से दो बनाएंगे, फिर इस स्थान इसके ठीक ऊपर से एक बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से एक बना लिए, अभी इस जगह से हम दो डबल क्रोशिया बीच से बना लेंगे, एक और ये रहा दो। अब तीसरा देखिए हमें यहाँ से बनाना है, देखिए तीसरा हम इस स्थान से बनाएंगे, ये तीसरा हम बनाए यहाँ से बना लिए। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ बीच से दो डबल क्रोशिया हम बनाए हैं और ठीक इसके ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसी तरह से हम इस चोली में भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें अगला कुछ नहीं करना है, अगला हमें प्रत्येक अलग अलग चेन, अलग अलग डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। सिर्फ जब हम पांच डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे तो एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये लाइन को और ये लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए, अब इस लाइन को भी हम कंप्लीट किए। यहाँ पे जब हमारा, सबसे पहले तो हम यहाँ से आप लोगों को बतलाते हैं, यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बीच में डालते हुए और एक पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। अब उसके आगे का लाइन को हम, जैसे कि यहाँ डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन से दो डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बना लेने के बाद, देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5, इसे छोड़ देंगे तो पांच डबल क्रोशिया। छठा जो जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर पांच के बाद यहाँ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसे जब लास्ट में हम यहाँ पे पहुँचे तो देखिए पांच के बाद, अब यहाँ 1 2 3 4 5, पांच के बाद यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हमारे पास बच रहा था, तो इसे हम प्लेन इसी तरह बुन दिए। यानी कि यहाँ पे हम फंदा डाले हुए हैं, इसे हम जब बाह इसका जब हम निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये आएगा, आठ आठ आगे का पल्ला में, फिर बाह का 20 आ जाएगा, फिर पीछे का पल्ला में 16, फिर बाह का 20 आएगा, फिर आगे का पल्ला में 8 आएगा। तो इस तरह से आप जो पोशाक बनाती हैं, जो चोली बनाती हैं आप, तो 0 नंबर के कान्हा जी में कितना कितना डबल क्रोशिया आगे की ओर रखती हैं, उस अनुसार इसे भाग में बांट लें। बांटने के बाद में देखिए अगला लाइन आप इस तरह से बीने, जैसे कि हम यहाँ पे बांटे हुए हैं, तो हम अगला लाइन बुनेंगे। अगला लाइन हम इस तरह से बुनेंगे, इस कलर से हमें बुनना है। यहाँ पे हम सबसे पहले तीन चेन लेकर इसे हम जोड़ लिए, शुरू कर लिए, एक डबल क्रोशिया बुने, दूसरा बुनेंगे, यानी हम आठ डबल क्रोशिया इस जगह पे बुन लेंगे। ये दो हो गया, ये हो गया तीन, ये चार, पांच, छः, सात। अब जब हमें आठवां डबल क्रोशिया बुनना है तो हम यहाँ दो डबल क्रोशिया के बीचों बीच में हुक को डालेंगे और आठवां डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। बुन लिए, अब हमें 20 डबल क्रोशिया छोड़कर बुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां डबल क्रोशिया के बाद हम हुक को डालेंगे यहाँ बीचों बीच में और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरीके से देखिए हो गया। अगर आप चाहती हैं एक लाइन इसे और बुनना तो बुन सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस लाइन पे ही इसे कंप्लीट यहाँ पे हम कर रहे हैं। अगर आप इसे बनाना चाहती हैं या इसी इसी ऊन से अगर बनाना चाहती, जैसा कि हम यहाँ पे बुने हुए हैं, देखिए यहाँ पे हम इतना कर लेने के बाद में हम इसी ऊन से बाँह को निकालते हुए यहाँ बुन डाले हैं दो लाइन। तो अगर आप ऐसा बुनना चाहती हैं तो ऐसा ही बुन सकती हैं, और हम यहाँ पे इस ढंग से बुने हैं, दोनों तरह से आप लोग देख लें। तो ये हो गया, यहाँ पे 20 चेन हम छोड़ दिए बाँह के लिए, ये बाँह निकल गया। अब हम यहाँ पे जब हम आठ आगे की ओर रखेंगे तो पीठ पीछे की तरफ हमें 16 डबल क्रोशिया रखना होगा। तो एक अभी हम बुन चुके हैं, अब हम 16 डबल क्रोशिया और बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए 16वां जब हम बुनेंगे तो यहाँ पे बीचों बीच में हुक को डालेंगे और ये 16वां हम तैयार करेंगे। फिर से फंदे लेंगे, अब हम 20 डबल क्रोशिया गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 के हम
बीचों बीच में इस तरह से बीच में हम हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे बीचों बीच में हुक को डालेंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अब जो बचा हुआ है आठ ही से हम बुन देंगे। तो इस तरह से ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। एक लाइन और इसे बुन दें, बुनने के बाद इसे आपस में जोड़ दें, जैसा कि हम यहाँ पे बुने हुए हैं। बुनने के बाद यहाँ आपस में हम जोड़ दिए हैं और ये किनारा, यहाँ पे किनारा हम बना लिए हैं। ये तो बहुत ही सिंपल ढंग से बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम इसे बुन कर दो लाइन में जोड़ लेते हैं, या बुन लेते हैं सबसे पहले, फिर हम बताएंगे। इस तरह से देखिए ये चोली बनकर कंप्लीट होगा। अगर आप इसमें चाहती हैं इस तरह का किनारा देना, ये तो यहाँ पे आप ये भी दे सकती हैं। ये हम बहुत ही सिंपल ढंग से बनाए हुए हैं, इसी कलर से बनाए हुए हैं। देखिए ये किस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ सबसे पहले इस धागे को हम यहाँ ले आएंगे इस तरफ, और एक दो दो चेन ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर हम एक निश्चित दूरी पर हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से दो चेन ले लेंगे और फिर से इसी चीज़ को बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे ये चीज़ को कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट किए हैं बनाते हुए, गले पर से बनाकर यहाँ लाकर लास्ट कर दिए हैं। अब देखिए, अब हम इस कलर से घेरा बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस कलर से अब घेरा बनाना शुरू करते हैं। देखिए अब घेरा बनाने के लिए यहाँ पे हम ऊन को इस तरह से ले आए हैं। अब इस पे हम सबसे पहले घेरा के लायक हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक चेन से हम दो डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे। ये हो गया एक चेन से दो डबल क्रोशिया। अब अगली चेन से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा घेरा चाहती हैं तो तीन डबल क्रोशिया बना लें, और अगर आपको लगता है कि घेरा दो डबल क्रोशिया में ठीक रहेगा तो फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया ही तैयार करें। हम यहाँ पे एक चेन से दो डबल क्रोशिया और अगली चेन से तीन डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन से दो डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाकर हम यहाँ पे इसे कंप्लीट करें, क्योंकि हमें घेरा एक बार में ही फंदे को बढ़ा लेना है। देखिए इस तरह से अब अगला चेन से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर अगला चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा दो। तो इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे घेरा, अभी यहाँ पे घेरा ठीक है। अगर आप इसे और बढ़ाना चाहती हैं तो एक लाइन और आप इसे बनाकर बढ़ा सकती हैं। घेरा हम यहाँ पर नहीं बढ़ा रहे हैं। अब हम इसे देखिए आगे बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इसे हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे लाके इसे इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब इसी जगह से हम तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक तीन चेन लेने से एक डबल क्रोशिया बन गया। अब हम दूसरा डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए और फिर से तीसरा डबल क्रोशिया भी यहाँ पे बना लिए। जैसा कि हम ये पोशाक में बता चुके हैं, इस डिजाइन को उसी ढंग से हम बनाएंगे। ये चूंकि कान्हा जी का पोशाक है, यहाँ पे हमें घेरा ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम इस पे हम किस तरह से बनाए हुए हैं, अगर आप एक बीच करके देखिए, यहाँ पे एक बीच करके हम बनाए हुए हैं। यहाँ पे पोशाक में एक बीच करके और अगली चेन से तीन डबल क्रोशिया, इस तरह से हम तैयार किए हुए हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकती हैं। आइए हम इसी ढंग से बनाते हैं। ये हो गया तीन डबल क्रोशिया। अब हम फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो एक तीन, फिर हम एक बीच करेंगे, एक चेन बीच करके अगली चेन से तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक दो तीन, फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब एक बीच करके अगली चेन से तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक दो तीन, फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये थ्री प्लाई का ऊन है। आप ऊन के
जिस ढंग से अगर आप एक कलर से बना रही हैं तो आप ऊन कितने भी प्लाई का लेंगी चलेगा, लेकिन अगर आप दो कलर से बना रही हैं यहाँ पे, जैसा कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, दो कलर से बनाएंगी तो ऊन एक साइज का होना चाहिए। अगर थ्री प्लाई का ऊन से बना रहे हैं तो दूसरा कलर भी थ्री प्लाई का ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस लाइन को कम्प्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसे हम पूरा गोलाई में यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। ये घेरा अच्छा खासा हो चुका है यहाँ पे, इसलिए दूसरा लाइन अगर आप लोग बुनेंगी तो देख लीजिए कितना घेरा हो जाएगा, इसलिए ये एक लाइन में ही काफ़ी है। तो ये बनाकर जब हम कंप्लीट कर लिए तो ये तीन चेन बना चुके हैं। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ दिए। यहाँ जोड़ देने के बाद में एक चेन हम ले लेंगे, दो चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब इसे जैसा कि हम बतला चुके हैं, इसे बनाने के लिए इस तरह से हमें पलटना होगा। तो मान लिया जाए हम यहाँ पे जो जोड़े हैं हम इसे, ये हम इस तरीके से जोड़ते हैं, ये तीन चेन हो गया। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। इसके बाद फिर इसे इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ देखिए ये सीधा है, अब इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे और ये पहला जो दिख रहा है डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम इस फंदे को लाएंगे, इससे हम यहाँ पर फंदे को ले आएंगे इस तरीके से। अब तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन। अब इसके बाद हम यहाँ से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा कि पोशाक में भी बतला चुके हैं, एक दो, और एक बार जो हम तीन चेन बनाए इससे एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बुने। अब इसके बाद फिर हम तीन चेन ले लेंगे, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद में देखिए फंदा लेंगे, फंदा लेकर अब ये जो तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें बनाना है, तो यहाँ पे बनाने के लिए इस पे हम हुक को इस तरीके से डालेंगे और इससे ही हम तीन डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अगर आप लोगों को ज़रा भी इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जो हम जुगल जोड़ी का पोशाक डाले हुए हैं उसे देखकर भी समझ सकती हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद फिर से हम अगला ये जो तीन डबल क्रोशिया है यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरीके से लेंगे, इसे घुमा लेंगे और तीन डबल क्रोशिया इसी जगह से तैयार करेंगे, एक दो और ये रहा तीन। फिर से तीन चेन लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप दूसरा कलर भी इसमें जोड़ना चाह रही हैं तो ये जो हम अभी इस वक्त यहाँ पे बतलाएं इस कलर से, वो आप दूसरे कलर से बना लेंगी तो आपका इस तरह का बनकर सामने आएगा, जो आप दोनों तरफ से पहना सकती हैं पोशाक में। अब आप इसे इस पे देखें, जैसा कि इस पे देख सकती हैं आप, ये किस तरह से डिजाइन गया हुआ है। ये यहाँ से हम जोड़े हैं, देखिए यहाँ से हम बनाए हैं तीन, ये पहला लाइन, दूसरा लाइन में फिर इसी शुरुआत का जो है ये डबल क्रोशिया, यहीं से हम तीन डाले हुए हैं, इस तरह से करके इसे बनाए हुए हैं। ये हम अभी आगे आप लोगों को बता देंगे, सबसे पहले आप ये दूसरा लाइन को कंप्लीट कर लें तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम तीन चेन बनाए हैं, तीन चेन लेने के बाद इसे जोड़ देंगे, इस लाइन पे लाकर इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर इस ऊन को हमें यहाँ पर ले जाना है, दो और ये एक तीन, तीन इस ऊन को हम यहाँ तक ले गए। अब इसे हम पलट लेंगे, देखिए इस तरीके से हम पलटेंगे, इस तरीके से पलटने के बाद में यहाँ पे हम हुक को डालेंगे पहला डबल क्रोशिया पे और इसे लेकर दोनों को बंद कर देंगे इस तरीके से।
अब तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। इसके बाद अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, एक दो। एक तो हमारा डबल क्रोशिया बन गया, तीन चेन लेने से एक डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, यहाँ पे तीन बनाए, अब तीन चेन ले लिए। अब अगला फिर फंदा लेंगे, फंदा लेने के बाद में यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरीके से तीन डबल क्रोशिया यहाँ भी तैयार कर लेंगे, एक दो और ये रहा तीन। फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। प्रत्येक लाइन में हमें इसी ढंग से उलट करके और बनाना है। एक लाइन और हम आप लोगों को बतलाएंगे, सबसे पहले ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से बनकर आएगा। अब देखिए हमारा ये तीसरा लाइन भी कंप्लीट हुआ, हम इस तरह से बना रहे हैं, ये सीधा तरफ का है। अभी तीसरा लाइन जो हम कंप्लीट किए तो इस ढंग से, इस ओर से बनाकर कंप्लीट किए। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से जोड़ लेंगे यहाँ पे। अब इस धागे को हमें इस ओर लाना है, तो जैसा कि हर बार आपको इसी तरीके से यहाँ पे धागे को इस ओर लाकर पलटना पड़ेगा, इसलिए आप इसे गौर से एक बार देख लें। ये तीसरा भी हम यहाँ तक लाकर कंप्लीट किए, देखिए इस तरह से यहाँ पे ले आए हम धागा को, इस किनारे पे ले आए हैं हम। हर बार आपको जब भी आप पलटेंगी इसी तरीके से आपको लाना पड़ेगा, और देखिए इस तरीके से ही पलटना पड़ेगा हर बार। अभी इसके पहले हम यहाँ बता चुके हैं किस ढंग से पलटना है, अब जब दूसरी ओर से आए हैं तो हमें देखिए इस तरह से पलटना होगा। इसे हम इस तरीके से पलटेंगे, ये देखिए उल्टा है, उल्टा तरफ से बना रहे थे, इसे अब हम इस तरीके से पलटेंगे। और पलटने के बाद में ये यहाँ से लेंगे और ये जो है पहला, यहाँ पे हुक डालेंगे हम, पहला डबल क्रोशिया में हुक को डालेंगे, ये फंदा हमारे हुक पे ही रहेगा, और हम हुक को डालकर और फंदा एक लेकर इस फंदे को भी गिरा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें फिर तीन चेन लेकर डबल क्रोशिया तैयार करना है, तीन चेन ले लिए जो कि एक डबल क्रोशिया का काम करेगा। अब और दो डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे, ये रहा एक और ये रहा दो, ये हो गया दो डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हम जब बना रहे हैं तो किस ओर से बना रहे हैं, ये सीधा तरफ है, इस बार हम सीधा तरफ अपनी ओर ले आएंगे इसे और बनाएंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पे हम तीन चेन लाएंगे। इस चीज़ को आप अगर एक बार समझ जाएंगी तो बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, एक दो तीन। इसके पहले जो हम बनाए सो हम इधर से इस तरफ से बनाए थे, और अब की बार जो बना रहे हैं वो हम इस तरफ से बना रहे हैं। आपको ये बार बार पलटना पड़ेगा। तीन चेन लेने के बाद फिर हम फंदे लेंगे, और जैसा कि हम इसे फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे, तीन डबल क्रोशिया में जो यहाँ पे पहला डबल क्रोशिया है इस पे हुक को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे, एक दो और एक और तीन। ये तीन डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अब फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। इसके बाद यहाँ से हम फिर से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक दो और ये रहा तीन। तो देखिए हम इस तरफ से बना रहे हैं, ये लाइन हम इस तरफ से कंप्लीट कर रहे हैं, ये देखिए बनकर इस ढंग से आएगा। अब जब हम इस बार पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, जब हमें पलटना होगा तो फिर से हमें यहाँ पे इस जगह पे
पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ जब हम पलटेंगे तो एक यहाँ जोड़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद ये एक, ये दो, तीन, तीनों हम डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक धागे को ले आएंगे, फिर हम इसे इस ओर पलटेंगे। ध्यान दें, इस बार इस तरफ है, अगली बार जब हम आएंगे तो इस तरीके से पलटेंगे, इस तरीके से पलटेंगे, और यहाँ का ये जो पहला डबल क्रोशिया है यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए, जब हम दूसरा बार पलटेंगे तो ये इस ओर आ जाएगा। तो इस तरह से बनाते हुए हम जितना लंबा हमें रखना है, जितने नंबर के आप कान्हा जी का पोशाक बना रही हैं उतना लंबा हम बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। इसे आप कुछ लाइन में बना लें। छोटे कान्हा जी का पोशाक तैयार कर रही हैं तो 2 प्लाई के ऊन से तैयार करें, तो ये जो डिज़ाइन है ये उभर कर सामने आएगा। ये चूंकि बड़े कान्हा जी का पोशाक है इसलिए हम 3 प्लाई के ऊन से इसे बना रहे हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम कुछ लाइन में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से भी आप समझ सकती हैं। अगर ये है, इस तरफ से ये घुमा हुआ है, यहाँ का एक हम डबल क्रोशिया से ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो फिर दूसरा बार जो हम बनाएंगे वो इस तरफ के डबल क्रोशिया से बनाएंगे। इस तरफ से भी आप इसे समझ सकती हैं। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे अलग कलर जोड़े हुए हैं, अलग कलर से भी हम आपको बनाकर यहाँ पे बतला रहे हैं। यहाँ हम धागा तोड़ दिए और दूसरा कलर यहाँ पर हम जोड़ चुके हैं। जो कलर हम चोली में डाले हुए हैं उसी कलर को हम यहाँ पे जोड़े हैं। जोड़ने के बाद हम ये इस तरह अपनी ओर करके, ये जो आप देख रहे हैं ये हम अपनी ओर करके यहाँ पे बुनना शुरू किए हैं, क्योंकि ये एक बार इस तरफ से आएगा। यहाँ पे ध्यान दें आप, एक बार जो हम बनाए हुए हैं वो इस तरफ से आएगा और ये इस तरफ का डबल क्रोशिया से 3 डबल क्रोशिया बनेगा। इसके बाद जब हम दोबारा बनाएंगे तो यहाँ का डबल क्रोशिया से 3 बार बनेगा। तो अब चूंकि फिर अगला हमें बनाना है, तो ये जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से इस तरफ के डबल क्रोशिया से यहाँ पे बनेगा। यानी एक बार हम इस डबल क्रोशिया से बनाएंगे, दूसरा बार हम इस तरफ से बनाएंगे, तब ये इस तरह का डिज़ाइन बनकर सामने आएगा। तो आइए इसे हम देखते हैं। ये इस तरह से हम बना रहे हैं। इसे हम 2 लाइन में बतलाएंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम 1 2 3 तीन चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद ये हम अपनी ओर किए हुए हैं। ये अपनी ओर करने के बाद में यहाँ से हम ये डबल क्रोशिया यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये 1 2 और ये 3, 3 डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर से हम देखिए इस तरह से ये हमारा आएगा, इस तरीके से आएगा हमारा ये। तो हम फिर से यहाँ पे इस जगह पे डबल क्रोशिया यहाँ पे हम हुक को डालकर 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 और ये रहा 3। इसी तरीके से हम 3 चेन लेते हुए इस तरफ के डबल क्रोशिया पे तैयार करते जाएंगे। जब हम ये हमारी ओर रहेगा तब सबसे पहले, अब इस कलर पे हम आपको और एक लाइन बतलाएंगे इस लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसे हम जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे, ये अपनी ओर हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे हमें क्या करना है। एक हम इस तरफ से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरफ से बना हुआ था तो हम इस तरफ से बना चुके हैं। अब अगला एक हम यहाँ से बना चुके हैं। अब अगला हमें जो बनाना है वो इस डबल क्रोशिया से बनाना है, तो इसे हम पलट लिए। पलटने के बाद इसे इस तरीके से ले लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद अब हम इसी जगह से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 3 चेन हो गया। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे, 1 1 3 चेन 1 डबल क्रोशिया कहलाएगा, और ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, और ये
तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब देखिए अब आगे क्या है करना है, आगे अब हमें फिर यहाँ पे हुक को डालना है, इस तरह से देख रही हैं, यहाँ पे हुक को डालना है। एक बार हम इस स्थान से बना चुके हैं, अब दोबारा जब हम बनाएंगे तो हमें यहाँ पे हुक को डालना है, और यहाँ पे हुक को डालकर हम बनाएंगे इस तरह डबल क्रोशिया करेंगे, तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये रहा तीन। फिर से तीन हम चेन ले लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम देखिए, अब आप देख सकती हैं इस तरह से बनाते हुए ये हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये दो लाइन हम दूसरे कलर का डाल चुके हैं, तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब इस पोशाक पर अगर आप चाहती हैं तो मोती वगैरह आप कुछ भी सजा सकती हैं इस पर। यहाँ पे हम बीच में डोरी डाल दिए हैं, ये नज़दीक से देखिए कितना खूबसूरत लगता है, ये पोशाक काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब हम टोपी बनाएंगे, आप इसे दोनों तरफ से पहना सकती हैं, दोनों तरफ से डाल सकती हैं। अगर चोली आप उस तरीके से बनाएंगी तो, अगर चोली भी आप इसी ढंग से बनाएंगी तो आप दोनों तरीके से पहना सकती हैं। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम टोपी बनाएंगे। टोपी के लिए हम सबसे पहले 25 चेन ले लेंगे। 25 चेन लेने के बाद इस पर हम डबल क्रोशिया, सबसे पहले इसे हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इस पर डबल क्रोशिया एक लाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम एक लाइन में बनाकर कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पे हम उनको जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद में तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। बिल्कुल वही तरीका से हम टोपी बनाएंगे जो हम जुगल जोड़ी में भी बता चुके हैं, और अभी हम पोशाक में जो बता चुके हैं वही डिजाइन से हम टोपी भी डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे एक चेन से। तो देखिए ये एक चेन से तीन डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब इसके बाद हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद में एक दो दो बीच करते हुए हम यहाँ पे डालेंगे। जैसा कि देखिए इस टोपी में भी हम आप लोगों को बतलाए थे दो बीच करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा अगर फैल जाएगा तो टोपी का आकृति बिगड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे दो चेन दो एक दो दो डबल क्रोशिया पार करते हुए तीसरा पे हम हुक को डालेंगे। तीसरा पे हुक को डालकर और हम तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक एक ही चेन से तैयार करेंगे, दो तीन, फिर से तीन, एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। फिर से दो बीच करते हुए तीसरा में, एक दो बीच करते हुए तीसरा में हुक को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग डिजाइन में कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप टोपी के द्वारा समझ सकती हैं। ये टोपी में हम लगातार आपको दो से तीन लाइन तक बतलाएंगे जब तक टोपी कंप्लीट नहीं हो जाएगा। हर एक लाइन आप लोगों को हम इस पे बतलाएंगे। दो बीच करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तीन चेन लेंगे, फिर से तीसरा चेन पे हुक को डालकर दो डबल तीन डबल क्रोशिया एक चेन से बना लेंगे, एक दो तीन। फिर से तीसरा पे हुक को डालेंगे, तीन डबल क्रोशिया एक चेन से तैयार करेंगे, दो तीन, एक दो तीन, तीन चेन हो गया। फिर से हम इसी चीज़ को दोहराएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन। अब देखिए अब यहाँ पे हुक को डालेंगे, दो के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया, लास्ट हमारा इस लाइन का लास्ट डबल क्रोशिया तैयार कर रहे हैं। ये तैयार हो गया। अब तीन चेन, तीन चेन बनाने के बाद में अब देखिए अब हमें यहाँ पे इसे जोड़ लेना है। सबसे पहले इस तरह से हम इसे जोड़ लिए।
अब जोड़ने के बाद में इसे हम पलट लेंगे। अगर आप पलटना चाहते हैं पलट लें, और फिर पलट ही लें आप। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दें, इस ये जो डिजाइन हम बनाए हुए हैं इस पे ध्यान दें, ये इस तरफ है, सीधा की तरफ है, इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। और पलटने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, यानी कि ये जो पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पे हुक को डालेंगे, और एक चेन इस तरह से लेकर इसे बंद कर दिए, और एक दो दो और चेन ले लिए, तीन हो गया। अब यहाँ से हम तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक दो, ये रहा तीन। फिर से हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब देखिए ये हो गया हमारा इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये सीधा तरफ से अगर हम किए तो ये आ गया इस तरीके से। फिर से हम फंदे लेंगे, फिर से ये सीधा हो गया, इसे हम फिर से पलटेंगे इस तरीके से। और पलटने के बाद ये जो है डबल क्रोशिया पहला, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, दो और ये रहा तीन। देख रही हैं आप इस तरह से हम बना रहे हैं। फिर से हम ये सीधा तरफ से हो गया, इसे हम पहले सबसे पहले तीन चेन लेते हैं, एक दो तीन, और इसके बाद देखिए हम इस तरीके से इसे यहाँ पलटेंगे, और ये जो डबल क्रोशिया है इस पे हम हुक को डालेंगे इस तरह से, और यहाँ से तीन, एक तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, दो और ये रहा तीन। तीन डबल क्रोशिया तैयार किए, फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और फिर से हम इसे यहाँ से इस तरीके से लेकर और तीन डबल क्रोशिया फिर तैयार करेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, दो और ये रहा तीन। आप देख रही हैं ये इस तरीके से, ये सीधा तरफ से है तो सीधा तरफ से ये हो जाएगा उल्टा तरफ से, ये उल्टा तरफ से हो जाएगा। सीधा तरफ से हम इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट कर रहे हैं। ये हम फिर अगला तीन चेन लेने के बाद इस स्थान पे डालेंगे इस तरह से घुमाकर, ये इस तरीके से घुमाकर यहाँ पे हुक को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से करते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब ये यहाँ पे हम तैयार कर चुके हैं। अब इसे हम यहाँ जोड़ेंगे, इसे यहाँ पर लाकर सबसे पहले हम जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ दिए। इसे बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप कोई भी तरीका इसमें देख सकती हैं। देखिए अब इसे हम धागे को यहाँ तक लाएंगे हम, क्योंकि आगे हमें यहाँ से बुनना है। जब ये डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार हो चुका है तो अब हमें इस तरफ से बुनना है। एक बार में हमें इस तरफ से बुनना है, दूसरी बार में हमें यहाँ से बुनना है, फिर तीसरा बार जब आएंगे तो यहाँ से बुनना है। इस चीज़ को आप ध्यान दें। तो अब हम इस धागे को लेकर यहाँ तक आएंगे, एक दो तीन, ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब इस डबल क्रोशिया से यहाँ से हमें तैयार करना है। तो इसके लिए हम इसे सबसे पहले इस ढंग से ले लेंगे, अब तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, यहाँ दो और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, एक दो, हो गया तीन डबल क्रोशिया हमारा। अब एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब देखिए अब फिर आगे हमें यहाँ पे हुक को डालना है, ये हम अपनी ओर से बना रहे हैं, सीधा तरफ से बना रहे हैं। यहाँ पे हुक को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया फिर से तैयार करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब देखिए अब ये इस तरह से आ गया आपको। अब यहाँ पे हम फिर से इस पे हुक को डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया यहाँ तैयार करेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन चेन हो गया। ये देखिए इस तरह से बनकर सामने आ रहा है।
अब फिर हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर यहाँ पे डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हम एक कलर से बना रहे हैं, अगर आप इसमें दो कलर देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। देखिए इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से बनकर हमारा आ रहा है सामने। अब हम इसे, इस लाइन को अब हम कंप्लीट कर लेंगे, इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। ये लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। अब चूंकि ये टोपी है, यहाँ पे हम ज़्यादा लंबाई इसकी नहीं डाल सकते हैं। देखिए आप किस तरह से देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इस तरह का डिज़ाइन सामने बनकर आएगा एक कलर से। अब इस पे हम बंद, इसे हम बंद करना शुरू करेंगे। अब देखिए इसे हम बंद इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये कान्हा जी का, कितने नंबर के कान्हा जी हैं उस पर ये डिपेंड करता है कितना और ऊंचा हमें इसे बनाना चाहिए। अब ये काफ़ी हो गया, अगर आप और देना चाहती हैं तो एक दे सकती हैं, एक लाइन और दे सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। अगर आप एक लाइन और देना चाहेंगी तो अब इस बार में, इस बार आप यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएं, इस तरफ से पलट कर, इस तरह से पलट कर डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएं। फिर अगला बनाएंगी तो फिर यहाँ से बनाएंगी, फिर अगला यहाँ से बनाएंगी, इस तरह से तैयार करें आप। तो अब देखिए, अब हम यहाँ इसे बंद करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तीन चेन ले लेंगे, तीन चेन हो गया। अब यहाँ से हम दो डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक दो, जो कि हम जुगल जोड़ी में, जुगल जोड़ी की टोपी में हम बता चुके हैं। फिर बीच से यहाँ एक हम चेन डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से ये दो लेंगे हम, एक और एक दो, ये दो हो गया। फिर से यहाँ से एक लेंगे, इस तरह से हम हर एक जगह से दो और एक लेते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस पे जो तीन डबल क्रोशिया, यहाँ से हम बीचों बीच से एक लेंगे। और तीन बचा हुआ है, इसे भी हम पूरा कर लेंगे। अब ये लास्ट हमारा यहाँ पे है दो डबल क्रोशिया। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखिए, यहाँ दो हम चेन ले लिए, दो चेन लेने के बाद अब इसे हम यहाँ पे प्रत्येक चेन से एक एक फंदा इस तरह से लेते हुए, एक फंदा यहाँ से लिए, फिर हम एक फंदा इस स्थान से लेंगे, फिर एक यहाँ से लेंगे, लेते हुए हम सबों को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट तक हम ले लेंगे, इस तरह से अब हमारे पास कुछ बाकी रह गया है, इसे भी हम हुक पे ले लेंगे। अगर आपको लेने में दिक्कत हो रही है तो आप दूसरे क्रोशिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखिए, अब हम इस तरफ से एक ले लेते हैं इस ढंग से, फिर से हमारे पास एक और बचा हुआ है, तो यहाँ भी हम इस तरफ से ले लिए।
अब यहाँ हमारे पास जितना भी फंदा है सबों को हम एक बार में बंद कर देंगे। देखिए एक बार में बंद कर दिए यहाँ पे, और एक बार दो बार मजबूती के लिए हम इस तरह से दे चुके हैं। अब यहाँ कट कर लेंगे उनको। अब देखिए ये टोपी आपका इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे आप आउटलाइन देना चाहती हैं तो आप इस कलर्स के धागे से दे सकती हैं। जैसे कि हम किसी भी जगह से इसे लगा लें, जोड़ लेंगे। जोड़ कर दो चेन सबसे पहले ले लेंगे। दो चेन लेने के बाद में जैसा कि हम उस टोपी में भी बतला चुके हैं, एक एक डबल क्रोशिया और एक चेन से लिए दो डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे हम यहाँ पर लाकर बंद कर देंगे। फिर से हम दो चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया। अगर आपको ये काफ़ी छोटा लगता है तो आप और एक डबल क्रोशिया दे सकती हैं और यहाँ पर लाकर इसे बंद कर देंगे। फिर से दो चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ लाकर बंद कर देंगे। इस तरह से इसे हम पूरा गुलाई में कंप्लीट कर देंगे तो ये टोपी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे भी आप इस कलर की ऊन से कुछ भी डाल सकती हैं या मोतियों के द्वारा इसे आप सजा सकती हैं। तो इस तरह से ये कान्हा जी का टोपी और पोशाक तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।